हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं घर पे वैक्स कैसे करती हूँ। वैक्सिंग के बाद स्किन इरिटेट होती है, स्किन पर रैशेस आती है और छोटी छोटी पिंपल्स भी आती है, स्ट्रॉबेरी हेयर्स का प्रॉब्लम होता है, इंग्रोन हेयर्स का प्रॉब्लम होता है। तो आज मैं आपको 10 ऐसी टिप्स बताने वाली हूँ कि आपको इनमें से किसी भी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। आज मैंने चॉकलेट वैक्स लिया है और ये वैक्स लोकल वैक्स है, तो मैंने एक शॉप से परचेस किया था। ये मुझे 100 रुपीज़ तक मिल गया था, इस पर 130 प्राइस है। और चॉकलेट वैक्स है इस वजह से इसका कलर आप देख सकते थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा चॉकलेट जैसा भी दिख रहा है बीच बीच में। और ये मैंने वैक्स एक पॉट में निकाल लिया है क्योंकि मेरे पास वैक्स हीटर नहीं है और मेरे पास स्पैचुला भी नहीं है, तो वैक्स को अप्लाई करने के लिए मैं नाइफ यूज़ करती हूँ। ये मेरा परमानेंट नाइफ है वैक्स लगाने के लिए। वैक्स हीटर नहीं है इसकी वजह से अब हमें वैक्स को डबल बॉइलिंग मेथड से गर्म करना होगा। डबल बॉइलिंग मेथड में आपको एक पैन में पहले वाटर लेना है और उसे अच्छे से बॉईल होने देना है। इसके बाद आपको जिस पॉट में वैक्स निकाला था वो पॉट उस पैन में रखना है और धीरे धीरे से वैक्स को स्टर करना है। इसकी वजह से वैक्स की जो कंसिस्टेंसी है वो लूज़ हो जाएगी, वैक्स लूज़ होगा और हम इससे फिर वैक्स कर सकते हैं। तो आपके पास अगर वैक्स हीटर है तो आप वैक्स हीटर यूज़ कर सकते हैं, अगर वैक्स हीटर नहीं है तो आप सिंपली डबल बॉइलिंग मेथड से वैक्स को गर्म कर सकते हैं और उसके बाद यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं धीरे धीरे वैक्स को स्टर कर रही हूँ और वैक्स की कंसिस्टेंसी लूज़ हो रही है। जैसा मैंने आपको वीडियो में दिखाया है आपको ठीक वैसे ही लूज़ कंसिस्टेंसी चाहिए वैक्स करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि हमारा वैक्स लूज़ हो चुका है और अब हम इसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले ना, वैक्सिंग करने से पहले आप नीचे कोई चादर या फिर कोई पेपर वगैरह डाल दो ताकि नीचे कुछ गंदा ना हो। वैक्स बहुत चिपचिपा होता है तो फर्श गंदी हो सकती है, हाई चांसेस होते हैं इसके। अब हमारा वैक्स गर्म हो चुका है, आप देख सकते हैं मेरे पैर पे बहुत ज़्यादा बाल है और पहले इससे भी ज़्यादा थे। अब मैं रेगुलर वैक्सिंग करती हूँ तो इस वजह से बालों की ग्रोथ कम हो गई है, लेकिन लेंथ अभी भी ज़्यादा है। टिप नंबर 1, आप जहाँ वैक्स कर रहे हैं वहाँ थोड़ा भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको सबसे पहले पाउडर लगानी है। मैं यह टालकम पाउडर यूज़ कर रही हूँ पॉन्ड्स की। आप जो चाहे वो पाउडर यूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छी लगती है, और पाउडर को अच्छे से अप्लाई करना है ताकि कोई भी मॉइस्चर ना हो, और अगर हो तो वो टालकम पाउडर खींच ले। इससे आपका वैक्स बहुत इजीली होगा क्योंकि अगर आपके पैर पर मॉइस्चर है तो आपके पैर को या फिर हाथ को वैक्स स्टिक नहीं होगा, और अगर वैक्स स्टिक नहीं होगा तो बाल निकलेंगे नहीं और इससे दर्द भी ज़्यादा होता है। वैक्स स्ट्रिप को 2 साइड होती है, एक होती है रफ और एक होती है जो थोड़ी सॉफ्ट होती है। तो हमें रफ साइड यूज़ करनी है वैक्स के लिए क्योंकि रफ साइड से बाल ज़्यादा चिपकते हैं और जब हम खींचते हैं तो वो अच्छी तरह से निकल भी आते हैं। सॉफ्ट साइड को बाल अच्छी तरह से स्टिक नहीं हो पाते, इस वजह से हमेशा याद रखना कि सिर्फ रफ साइड ही यूज़ करनी है वैक्सिंग के लिए। आपको थोड़ी सी थिक स्ट्रिप्स यूज़ करनी है, आप चाहे तो इसकी जगह पर पुरानी जीन्स होती है उसका क्लोथ भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ ये मैंने शॉप से ख़रीदे हैं, लेकिन ये ऑनलाइन भी मिलते हैं तो मैं आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वैक्सिंग अप्लाई करने का भी एक तरीका होता है, मतलब आप स्पैचुला को या फिर नाइफ को या फिर चम्मच को किस तरह से पकड़ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जिस तरह से हम फ्रूट काटते हैं उसी तरह से नाइफ को पकड़ना है, वैक्स लेना है और सीधे सीधे अप्लाई करना है। वैक्स लेने से पहले अगर आप वैक्स हीटर का यूज़ करते हैं तो वो थोड़ा सा आपको चेक करना होगा कि वो ज़्यादा गर्म है या नहीं। यहाँ मेरी वैक्स की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक हो चुकी है क्योंकि मैं वीडियो भी निकाल रही हूँ, बात भी कर रही हूँ, आपको दिखा भी रही हूँ, सब मैं अकेले कर रही हूँ सब कुछ। आप जब कभी वैक्स अप्लाई करते हैं तो आपको वैक्स को सेम डायरेक्शन में अप्लाई करना है, मतलब आपकी हेयर ग्रोथ जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में आपको वैक्स को अप्लाई करना है। आप देख सकते हैं वीडियो में मेरी हेयर ग्रोथ नीचे की तरफ है तो मैं वैक्स को भी नीचे की तरफ ही अप्लाई कर रही हूँ। जब हम वैक्स स्ट्रिप्स को खींचते हैं तो हमने जिस डायरेक्शन में वैक्स को अप्लाई किया है
उसके एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में वैक्स स्ट्रिप्स को खींचना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके बाल जड़ से नहीं निकलेंगे और आपको दर्द भी बहुत ज़्यादा होगा। जब आप वैक्स स्ट्रिप्स को खींचेंगे तो आपको पहले स्किन को अच्छी तरह से टाइट पकड़ना है, नहीं तो क्या होगा, आप वैक्स स्ट्रिप्स को खींचेंगे और उसके साथ आपकी स्किन भी खींचेंगे तो बाल खींचने चाहिए उसकी जगह पर स्किन खींचेगी तो आपको दर्द बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए आपको अच्छे से पहले पकड़ना है अपने स्किन को टाइटली और उसके बाद दूसरे हाथ से ज़ोर से पूरा ज़ोर लगाकर पूरे प्रेशर से वैक्स स्ट्रिप्स को खींचना है। अगर आप धीरे धीरे खींचेंगे ना तो वो बहुत दर्द करेगी, इसलिए आप में जितनी एनर्जी है, जितना आप एनर्जी लगा सकते हैं उतनी एनर्जी लगाकर आपको वैक्स स्ट्रिप्स को ज़ोर से खींचना है। कोई कोई लोग होते हैं जो वैक्स करते हैं उसके बाद स्किन पे छोटे छोटे पिंपल्स दिखने लगते हैं, तो आपको क्या करना है ना, जब आप स्ट्रिप्स खींचेंगे उसके बाद स्किन को, वहाँ की जो स्किन है वहाँ से धीरे धीरे टैप करना है सिर्फ में पिंपल्स, रेडनेस वगैरह, इससे आपको कुछ भी नहीं होगा। आप देख सकते हैं वीडियो में भी मैंने आपके सामने बाल खींचे लेकिन फिर भी मुझे रेडनेस नहीं हुई। मैं आपको बीच बीच में वैक्सिंग के शॉर्ट्स दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे पूरा वीडियो रिकॉर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, मेरा कैमरा इतना अच्छे से वो रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रहा था, इस वजह से मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी सारी क्लिप्स आपको दिखाना और फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इस वजह से मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट क्लिप्स आपको दिखा रही हूँ। अब आगे जो है वो है नी के बारे में, क्योंकि नी का एरिया ना एक जैसा नहीं होता, इवन नहीं होता, उसमें बहुत सारे बोन्स होते हैं तो वो जैसे ऊपर नीचे होता है और ऐसे एरिया में वैक्स करना बहुत मुश्किल होता है, वो स्किन बहुत इरिटेट होती है, दर्द भी होता है, अच्छे से बाल भी नहीं निकलते। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, नी को फोल्ड करना है क्योंकि अगर आप पैर को स्ट्रेट रखेंगे ना तो वो वहाँ का जो एरिया है स्किन पूरी तरह से एक जगह पर आ जाएगी तो आप अच्छे से फिर वैक्स नहीं कर सकते। और अब आपको पूरे नी को धीरे धीरे से वैक्स अप्लाई करना है। आपको छोटी छोटी दो स्ट्रिप्स लेनी है, मेरा नी छोटा है मैंने दो स्ट्रिप्स ली है, आपका अगर बड़ा है तो आप 3-4 आपके हिसाब से स्ट्रिप्स ले सकते हैं। तो आपको छोटी स्ट्रिप्स लेनी है और नी के छोटे छोटे एरिया को वैक्स करना है। तो ये नहीं कि एक जैसे वैक्स कर लिया बड़ी स्ट्रिप्स लेकर, अगर आप ऐसा करेंगे ना तो नी का अच्छे से वैक्स नहीं होगा। आप देख सकते हैं वीडियो में मेरे सारे बाल निकल रहे हैं और कुछ रेडनेस की भी प्रॉब्लम नहीं हो रही मुझे और दर्द भी नहीं हो रहा है। तो आप इस तरह से ना नी के छोटे छोटे एरिया में स्ट्रिप्स को अच्छे से स्टिक करके इसे आप वैक्स कर सकते हैं और आपको नी को इस तरह से ही वैक्स करना है, इससे आप इजीली वैक्स कर सकते हैं। जिस तरह से पैर का वैक्स किया है सेम उसी तरह से उसी टेक्निक्स को एंड टिप्स को फॉलो करके आप हाथ का भी वैक्स कर सकते हैं। मैं आपको बीच बीच में कुछ क्लिप्स दिखा रही हूँ कि इस तरह से मैं अपने हाथ का भी करती हूँ और आपको दिखाने के लिए ना जहाँ ज़्यादा हेयर है मैं वहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ पहले और वहाँ के वैक्सिंग कर रही हूँ। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको मतलब जहाँ से शुरू किया है ना वहीं से अच्छे से वैक्स करना है। तो ऐसे बीच बीच में कहीं भी वैक्स करो कहीं ना करो इस तरह से आपको वैक्स नहीं करना है, वो मैं सिर्फ आपको अच्छे से हेयर दिखे मेरे इसलिए जहाँ ज़्यादा हेयर है मैं वहाँ ही वैक्स कर रही हूँ। तो आपको आप हाथ के भी वैक्स इस तरह से ही कर सकते हैं। अब चलते हैं टिप नंबर 10 की तरफ और ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, हमारी लास्ट टिप है। और अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी मत भूलना और जिनको भी वैक्सीन की बहुत ज़रूरत है उनके साथ प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर 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 शेयर करना। अब चलते हैं हमारे लास्ट टिप की तरफ जो है टिप नंबर 10 और ये टिप है कि आपको वैक्सीन करने के बाद मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना ही है क्योंकि स्किन बहुत इरिटेट होती है वैक्सिंग की वजह से, हमारे स्किन की ऊपर की एक जो लेयर है ना वो निकल जाती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वैक्सिंग करने के बाद मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना ही है और केमिकल मॉइस्चराइज़र बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है क्योंकि वैक्सिंग करने के बाद हमारे जो हेयर्स है वो निकल जाते हैं, पोर ओपन हो जाते हैं और इस वजह से अगर आप केमिकल मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे तो उसका केमिकल अंदर जाके बैठेगा और इससे आपकी स्किन ब्लैक हो सकती है या फिर
और भी बहुत सारे कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो मैं कुछ नेचुरल मॉइस्चराइज़र का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वो लगा सकते हैं, चाहे तो आप एलोवेरा भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं खुद कभी एलोवेरा नहीं यूज़ करती वैक्सिंग के बाद, क्योंकि एलोवेरा से ऑब्वियसली हेयर ग्रोथ बढ़ती है, तो मुझे थोड़ा सा डर लगता है कहीं मैं एलोवेरा यूज़ करूँ और फिर मेरे बाल ज़्यादा ना बढ़ने लग जाए पैर के, इसलिए मैं कभी एलोवेरा जेल नहीं यूज़ करती हूँ वैक्सिंग के बाद। मैं सीधे सीधे मॉइस्चराइज़र अप्लाई करती हूँ। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आप घर पर रहकर कैसे स्मूथ सॉफ्ट हैंड और लेग्स पा सकते हैं, वैक्सिंग ईजीली कर सकते हैं इन 10 टिप्स को फॉलो करके। तो आज की वीडियो आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।